और दोस्त आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज दो इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरल स्ट्राइक के पहले दिन यानी दिनांक 28/3/2022 को प्रभावशाली प्रदर्शनों का आयोजन करें। CHQ ने पहले ही आह्वान किया है कि सामान्य हड़ताल के दिन यानी कि 28/3/2022 को सभी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए। सर्कल और जिला सचिवों से अनुरोध है कि वे इन प्रदर्शनों में अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को इकट्ठा करें और मोदी सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध व्यक्त करें। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा जहां भी संयुक्त रैलियों का आयोजन किया जाता है, हमारे साथी उन रैलियों में शामिल हो सकते हैं। जहां कहीं भी संयुक्त रैलियों का आयोजन नहीं किया जाता है, तो हमारे कार्यालय के सामने प्रदर्शन आयोजित किए जाने चाहिए। इन प्रदर्शनों में पेंशन भोगियों और ठेका श्रमिकों को भी शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भारत का मजदूर वर्ग 28 और 29 मार्च 2022 को दो दिवसीय शानदार आम हड़ताल करने जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के विध्वंस के लिए अपना जोरदार विरोध व्यक्त करने के लिए इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा और अन्य कॉरपोरेट समर्थक और कामकाजी लोगों की नीतियों के खिलाफ भी BSNL को सरकार के हमलों से बचाने के लिए BSNL कर्मचारियों के लिए इस हड़ताल को सफल बनाना जरूरी है। BSNL EU का CHQ BSNL के सभी कर्मचारियों से इस हड़ताल में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील करता है। CHQ सभी सर्कल और जिला सचिवों से हड़ताल को सफल बनाने के लिए अंतिम क्षणों में लामबंदी करने का भी आह्वान करता है। तो BSNL यूनियन आप लोगों से आग्रह करता है, आप लोगों से प्रार्थना करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी सर्किल और जिला सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करके इस आंदोलन को सफल बनाए ताकि सरकार इसके प्रति जुड़ जाए। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।